तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिगर सिंह राजपूत, आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल टेक यूट्यूब फैमिली में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि हम अपने किसी भी एक्सोमी या एमआई डिवाइस के रिसेंट ऐप को कैसे रिमूव करते हैं। दोस्तों मुझे एक कमेंट आया था कि भाई किसी एक रिसेंट ऐप को कैसे रिमूव किया जाता है, किसी एक ही रिसेंट ऐप को कैसे रिमूव किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किसी एक ही रिसेंट ऐप को कैसे रिमूव किया जाता है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से कि किसी एक रिसेंट ऐप को कैसे रिमूव किया जाता है, किसी एक रिसेंट ऐप को कैसे लॉक किया जाता है, उसके परफॉर्मेंस को कैसे देखा जाता है, ऐसे बहुत सारी नॉलेज दी जाएंगी। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि अपने रिसेंट ऐप को टैप करना होगा, जो कि होता है होम स्क्रीन के साइड में। आपको टैप करते ही जो आप वीडियोस देखे रहेंगे, जो ऐप आप यूज करे रहेंगे, वो ऐप आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने एमएक्स प्लेयर और यूट्यूब को अभी ओपन किया था जल्दी ही, तो वो हमारे सामने आ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों कि आपको करना क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए भाई ने पूछा कि किसी एक रिसेंट ऐप को कैसे रिमूव किया जाता है, उसके लिए भाई एक सिंपल ही तरीका है, बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या होगा, अपने ऐप्स को लेफ्ट या राइट में स्वाइप कर दीजिए, अपना खुद ही हट जाएगा। जैसे साइड कर दीजिए, हो गया दोस्तों, इसको भी साइड कर दीजिए, हट जाएगा। फिर आपको जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ और रिसेंट ऐप्स को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे किया जाता है। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी ओपन कर लिया है तीन और, फ्लिपकार्ट, एमआई रिमोट, जियो म्यूजिक। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, मान लीजिए मैंने आपको बताया, आपको और सारे फीचर्स को बता दूं, जैसे आप करना होगा उस ऐप पे आपको टैप करके रखना है। टैप करके रखने के बाद दोस्तों आपको करना होगा, आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, लॉक का, प्यूस का और ऐप्स परफॉर्मेंस का। दोस्तों आपको करना क्या होगा, अगर आप लॉक पे क्लिक करते हैं तो वो आपका ऐप, रिसेंट ऐप जो होता है लॉक हो जाता है। दोस्तों लॉक होने का मतलब ये होता है अगर आप हटाते भी हैं तो वो नहीं हटेगा जब तक आप लेफ्ट या राइट करके नहीं हटाते हैं। अगर आप डायरेक्ट हटाते हैं तो कभी नहीं हटेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको लॉक करके, लॉक करने के बाद आपको यहाँ से जो ऑप्शन दिखाई देता है आप इसको काट देते हैं। ऐसे काटने के बाद फिर भी जो है हमारा रिसेंट ऐप एक रह जाएगा, आप देख सकते हैं जियो म्यूजिक, जिसको हमने लॉक किया था। अब हम इसको लॉक को ओपन कर देते हैं, साइड में स्वाइप कर देंगे तो हट जाएगा। दोस्तों अगर हम दूसरे फीचर्स की बात करें, दोस्तों जैसे कि हमारा दूसरा, इसको टैप करना है 2 सेकंड तक, यहाँ से आपको क्लिक करके रखना है दूसरे वाले फीचर्स पे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आपका जियो म्यूजिक ओपन हो जाएगा और नीचे आपके रिसेंट ऐप दिखाई देंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी कोई भी रिसेंट ऐप नहीं यूज किया, जैसे मैं आपको रिसेंट ऐप यूज करके दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी रिसेंट ऐप को यूज कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे, यहाँ से भी आप इसको हटा सकते हैं अगर आप शॉर्टकट की ओपन करना चाहते हैं। आपका ऊपर जियो म्यूजिक और नीचे शेयर इट ओपन हो जाएगा, आप डबल डबल ऐप को अच्छी तरीके से चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे हॉफ स्क्रीन के ऊपर जियो म्यूजिक ओपन है और नीचे जो है डाउन साइड में आप देख सकते हैं मैंने शेयर इट को ओपन करके रखा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, तो आपको नीचे स्वाइप कर देना आराम से ऐसे, तो हमारा जियो म्यूजिक ओपन हो जाएगा और वो हमारा शेयर हट जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारा मेन मकसद था कि एक रिसेंट ऐप को कैसे रिमूव किया जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको रिसेंट टैप करना है, रिसेंट बटन के ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों आपको लेफ्ट या राइट में कहीं भी स्वाइप कर देना, आपका एक रिसेंट ऐप हट जाएगा। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं अपने अगले टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।